हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिहार एलआरसी कलर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम था वह 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। तो अभी अब उसकी कट ऑफ की बात करेंगे। तो अगर पहले देखें तो उसमें लगभग 1 लाख के अप्रोक्स फॉर्म आए थे, जिसमें कि 60% जो है लोगों ने एग्ज़ाम दिया, मतलब हार्डली 60% अटेंडेंस रही है। और अभी कुछ और बच्चे रहते हैं, जैसे कि जिनका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था। तो बात करें अगर जनरल की, अगर आपने 70% क्वेश्चन किए हैं सही सही, तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मतलब कि जनरल में अगर आप 400 प्लस करके आए हो, या फिर 105 से लेके 115 के आसपास करके आए हो, तो आप काफ़ी सेफ हो। ये ऐसा है कि भैया इतना आपका सही हो तब। अब आप इसमें भी अगर आपके गलत हैं तो भैया रहने दो। और अगर जनरल फीमेल की बात करें तो 98 के अराउंड अगर आप करके आए हो 65%, तो आप सेफ हो। एससी एसटी के लिए 64-65 हो, ये मतलब 90+ अगर आप करके आए हो एससी एसटी, तो आप सेफ हो। और बात करें कि भैया ईबीसी के लिए आपको लगभग 100 के आसपास ही करना पड़ेगा। ये सारी कट ऑफ जो है 100 के आसपास ही घूमती रहेंगी। तो ईबीसी की फ़ीमेल के लिए भी 98-95 के आसपास आपको करना पड़ेगा। बीसी के लिए भी जो है आप 100+ ही लेके चलो, तो ही आपको बेनिफिट है और आपकी जॉब लग सकती है। ईडब्ल्यूएस में भी आपके 98-95 के अराउंड अगर आप सही सही करके आए हो तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप 70+ 70% प्लस करके आए हो, वो भी सही सही, तो आप अगर कोई भी कास्ट के हो तो आपकी हो जाएगी। तो आपको बस अभी अगर किसी का पोस्टपोन्ड हो गया और उसका है, तो वो भी यही कोशिश करेगी 70+ परसेंटेज अगर वो क्वेश्चन करके आए तो उनकी ज़्यादा उम्मीद है। मतलब अगर देखा जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो सीधा सीधा 400 से ऊपर अगर आप करके आए तो आप काफ़ी सेफ हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते रहेंगे ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। आगे आने वाले पेपरों की तैयारी करें और जल्दी से जल्दी अपने घर वालों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।